नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल की स्टो सक्सेस में जैसा कि आप लोग जानते हैं हमने थ्री मार्कर सीरीज़ चालू कर दी साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड करंट अफेयर्स की तो आपको पता है कि दोनों एक दूसरे की पार्ट है क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर में होती है और आप लास्ट टाइम देख भी नहीं पाते हैं क्योंकि आपको एक कहीं पर भी इसका कंटेंट नहीं मिल पाता है ना तो हमने ये सेकेंड वीडियो डाल रहे हैं अगर आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे तो हम इसे कंटिन्यू रखेंगे ठीक है अन्यथा इसे हम बंद कर देंगे क्योंकि हम अगर मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग का भी कर्तव्य बनता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ठीक है तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं तो आज का पहला देख लेते हैं क्या है सी की जी के संबंध में रिपोर्ट आई है 2019-20 और 18-19 -2019 का डाटा है और वर्तमान में अभी जो पहले दूसरी तिमाही हुई है उसमें क्या विकास दर रही है उसका डाटा दो हज़ार की बात हो रही है ठीक है तो आप लोगों को पता है कि मेंस में पूछ लिया था कि वर्तमान में तिमाही में भारत का क्या प्रदर्शन रहा है अर्थव्यवस्था के लिहाज से समझाइए प्रीलिम्स के हिसाब से भी पूछा जा सकता है तो ये देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा तो दो हज़ार उन्नीस बीस का और बीस इक्कीस का देख लेते हैं तो पहले तिमाही में कितना ग्रोथ हुआ था फाइव पॉइंट फाइव पॉइंट टू परसेंट दूसरी तिमाही में फोर पॉइंट फोर परसेंट फिर फोर पॉइंट वन परसेंट और थ्री पॉइंट वन परसेंट ठीक है ये उन्नीस तो बीस का हो गया अब लेटेस्ट की बात कर लेते हैं दो हज़ार बीस इक्कीस में क्या रहा है पहले तिमाही में कोरोना की वजह से कह रहा था ग्रोथ माइनस टू पॉइंट माइनस ट्वेंटी थ्री पॉइंट नाइन परसेंट मतलब इतना डाउन हो गई थी हमारी अर्थव्यवस्था एक बात क्या है दूसरी तिमाही में क्या हुआ है माइनस सेवन पॉइंट फाइव परसेंट की ग्रोथ हुई फिर तीसरे और चौथी तिमाही का जब आंकड़ा आएगा तो इसमें आप ऐसी जगह छोड़कर रखिए और वहाँ जाके नोट कर सकते हैं नेक्स्ट है इसके बाद अंडोरा की बात की जा रही है अंडोरा क्यों लिखा गया है अभी आपको समझ में आ जाएगा तो तीन तीन पॉइंट लिखे गए हैं जो भी इंपॉर्टेंट है उसके अलावा आपको अगर एक्स्ट्रा लगती है तो आप जा कर के गूगल कर सकते हैं वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहीं पर सारा डाल दिया गया तो अंडोरा की स्थिति देख लेते हैं कि फ्रांस और स्पेन के मध्य स्थिति पहली बात दूसरा बात है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आई एम एफ का वन नाइन्टी वा सदस्य बनाया कब अक्टूबर दो हज़ार बीस में ठीक है और देख लेते हैं इसकी अवस्थिति की बात की जा रही है तो पायरेनीस पर्वत की दक्षिण चोटियों में स्थित है ये ठीक है यहाँ की मुद्रा क्या है यूरो हो जाएगी तो ये हो गया इसके बाद आर सी ई पी की बात की जा रही है तो क्या हो जाएगा रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ये इसका फुल फॉर्म हो गया ठीक है इसके बाद क्या है सैंतीसवें आसियन शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर हुए इसके ऊपर क्या अब डेट देख लेते हैं तो पंद्रह नवंबर दो हजार बीस को हुआ इसके बाद क्या है आसियन प्लस फाइव अन्य देश प्लस फाइव देश कौन कौन से सोचेंगे ऑस्ट्रेलिया चीन न्यूजीलैंड जापान और साउथ कोरिया ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए हैं के साथ संपन्न हुआ ये समझौता और क्या है ये एक व्यापक स्वतंत्र व्यापार समझौता ठीक है मुक्त व्यापार से संबंधित तो है इसमें इसमें और विशेष इस क्या है भारत भारत को लेकर के डाल देंगे कि राष्ट्रीय हितों प्राथमिकता देते हुए इस पर सहमति व्यक्त नहीं की है नेक्स्ट है मृदुल्ला सेना की बात की जा रही है तो उनका हाल ही में निधन हो गया गोवा के पूर्व राज्यपाल रह चुकी है दो से उन्नीस और साहित्यकार रहे हैं ठीक है तो इनकी कृतिया कौन कौन सी हो जाएगी एक रानी एसी भी ठीक है और एक और करती हो जाएगी जो फेमस थी राजपथ से लोकपथ लिख लीजिएगा इसे लोकपथ ठीक है और क्या है इसके अलावा इसके अलावा यह है कि 2021 में इन्हें पदम श्री का सम्मान मिला था और यह गोवा की पहली महिला गवर्नर रह चुकी है ठीक है जिनका हाल ही में निधन हो तो गया नेक्स्ट है तरुण गोगोई की बात की जाए जिनका ही में निधन हो तो गया तो असम के पूर्व सीएम थे कब से कब तक थे दो तो से सोलह तक तीन कार्यकाल पूरे किए इन्होंने असम के सर्वाधिक लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री है ये ठीक है कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता और इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाई ठीक है नेक्स्ट इसके बाद इसके बाद है करेंट अफेयर सीन कॉनरी की बात कर रहे हैं निधनोगेन का इनका हाल ही में स्कॉटलैंड से संबंध है इनका प्रसिद्धि किस वजह से मिली इन्हें जेम्स बॉन्ड पिक्चर आपने सभी ने देखी होगी जो जो सबसे पहले जेम्स बॉन्ड सीरीज़ का जो पहले पिक्चर आई थे उसके एक्टर थे और बहुत सारे जेम्स बॉन्ड की सीरीज में रहे हैं ठीक है 1987 में इन्हें ऑस्कर मिला है किसके लिए अनटचेबल्स के लिए ना कि जेम्स बॉन्ड के लिए नहीं मिला अनटचेबल्स के लिए मिला था इन्हें दो में नाइट की उपाधि दे दी थी और नाइट की उपाधि कौन देता आपको सभी को पता ब्रिटेन की महारानी ठीक है नेक्स्ट डे इसके बाद भानुतिया की बात कर लेते हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है है ना तो इनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन बनती है देख लेते हैं मानो बताइए बॉलीवुड के प्रसिद्ध वेशभूषाकार है, है। डिज़ाइनर है, है फिल्म गांधी रिचर्ड एटनबर् की जो फिल्म थी 1987 में उसके लिए इन्हें बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का अवार्ड मिला था ऑस्कर इसके बाद पहली भारतीय महिला जिन्हें ऑस्कर प्राप्त हुआ 1983 में बाफ्टा अवार्ड भी मिला इनको ठीक है नेक्स्ट इसके बाद सोमित्र चैटर्जी की बात की जा रही है बांग्ला फिल्मों के अभिनेता थे ठीक दो में पद्म भूषण मिला है और दो में दादा साहब फाल्के मिला नेक्स्ट देखते इसके बाद आपको पता है कि करंट अफेयर और साइंस एंड टेक से पूछ लेता है वहाँ पर तो फिर दिक्कत हो जाती है तो वो सोमित्र चैटर्जी को क्यों ऐड किया गया क्योंकि उन्हें दादा साहब फल्के भी मिला हुआ था दो तो हज़ार में इसका अंदर डी आई गो मारेडोना इन्हें भी जोड़ लिया गया क्योंकि अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर थे और इन्होंने उनको 1986 में फीफा का वर्ल्ड कप दिलवाया था ठीक है तो विनिंग टीम के कैप्टन भी थे ये अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर है और अर्जेंटीना से और संबंधित संबंध किसका है लियोन मेसी का तो हैंड ऑफ़ गॉड एंड गोल ऑफ द सेंचुरी ये किससे संबंधित है इंग्लैंड से तो एक गोल किया था इन्होंने अपने हैंड से किया था तो उस समय क्या होता था मतलब जो फील्ड एम्पायर होते थे वही डिसीजन दे पाते थे कोई वीडियो की फुटेज उस समय उतना ज़्यादा तो वी का सिस्टम भी नहीं था है ना तो इस वजह से वो गोल मान लिया गया था और जो अर्जेंटीना है वो दो एक से जीत गई थी इंग्लैंड से है ना तो ये था एफ सी कोहली की बात कर लेते हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया तो ये कौन थे फादर ऑफ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इन इंडिया तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के फादर कौन है एफ सी कोहली हो जाएंगे ठीक है नेक्स्ट है कि इनके इन्होंने टी सी एस की संस्थ TCS के संस्थापक है ये 2002 में पद्म भूषण मिला है और इकोनॉमिक टाइम्स ने इन्हें अचीवमेंट अवार्ड भी दिया था इनको ठीक है तो जो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बन सकती है वो सब आपको बता दी गई नेक्स्ट है जिब्सदा ये क्या है जिप्सदा ये है वर्ष 2040 तक चांद पर कॉलोनी बनाने की रूस योजना है तो किसका प्लान है ये रूस का प्लान है क्या प्लान है तो वर्ष दो तक चांद पर कॉलोनी बनाना चाहते हैं लोग ठीक है लो, नेक्स्ट स्टेज के बाद क्या है उद्देश्य क्या है इसका शोध अनुसंधान करना खनिजों की प्राप्ति करना और मानव बस्तियां बसाना ये हो गया ख्यूज मिशन इसके बाद है इस स्टेच्यू ऑफ पीस ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तो फेमस है लेकिन स्टेचू ऑफ पीस भी एकदम यूनिक क्वेश्चन बनता है तो पूछा जा सकता है क्या है सोलह नवंबर दो को पीएम मोदी ने अनावरण किया इसका किससे संबंधित है इनका जयनाचार विजय वल्लभ सुरेश्वर महाराज जी से संबंधित है इनका एक सौ जयंती पर राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट के जेतपुरा गांव में विजय वल्लभ साधना केंद्र में एक इंच की मूर्ति का अनावरण किया गया है ठीक है तो जो भी इन्फॉर्मेशन बन सकती थी वो आपको बता दी गई नेक्स्ट है इसके बाद मालाबार 2020 की बात की जा रही है अब मालाबार 2020 क्यों ऐड किया गया आपको पता चल जाएगा अंदर अभी पढ़ेंगे हम तो चौबीसवा संयुक्त से नौसैनिक अभ्यास है ठीक है नेक्स्ट है इसमें क्या है देश कौन कौन से शामिल है इंडिया यूएसए ऑस्ट्रेलिया और जापान तो इन चारों को मिला के जो समूह बनता है उसे क्या कहते हैं आप सबको पता होगा क्वाड कहते हैं ना इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है इसके बाद क्या है क्षेत्र देख लेते हैं तो दो चरणों में पूरा हुआ पहले चरण में बंगाल की खाड़ी में हुआ बाइजेक में मतलब विशाखा में और सेकंड चरण में अरब सागर में हुआ था नेक्स्ट क्या है इसका उद्देश्य देख लेते हैं इसका उद्देश्य ये है कि हिंद महासागर प्रशांत महासागर दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामकता और साम्राज्यवादिता पर अंकुश लगाना है। ये इसका उद्देश्य है ठीक है तो जो भी इंफॉर्मेशन बन सकती है यहाँ पर कवर हो गया थ्री मार्क में इतना लिखेंगे तो आराम से काम हो जाएगा आपको कोई समस्या नहीं होगी इसमें तीन में से तीन मार्क्स मिल जाएगा स्टार्टिंग प्रोजेक्ट क्या है ये देख लेते हैं इसके बारे में दुनिया की सबसे बड़ी बेसफिक इंटरनेट परियोजना है इससे कौन संबंधित है स्पेस एक्स है प्राइवेट स्पेस एजेंसी है उसकी परियोजना है तो स्पेस एक्स के सी कौन है न एल एन मार्स ठीक है थीके? वो सब लिख दिया गया अभी आप आगे देख लेते हैं तो इसके तहत पंद्रह उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट में प्रक्षेपित करना है ठीक है विश्व भर में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा प्रदान करना है इसका उद्देश्य हो जाएगा और स्थापना कभी छः मई 2002 को एलन मस्क मार्स है स्टारलिंक के स्पेस एक्स के ठीक है तो ये हो जाएगा इसके बाद देखते हैं अगला क्या है हमारा अगला है हमारा बायोल्यूमिनीसेंट मशरूम की बात की जा रही है इलेक्ट्रिक मशरूम भी बोलते हैं क्या है ये देख लेते हैं मशरूम की नई प्रजाति की खोज हुई कहाँ मिली है ये चमकने वाली है चमकती भी है सर्वप्रथम मेघालय के खासी हिल में मिली फिर उसका सेकंड टाइम कहाँ मिली जयंतीय हिल में मिली इस वजह से ये न्यूज़ में थी और इसे डाल दीजिएगा इसका आप वैज्ञानिक नाम देख लीजिए रोरी डोमिसिस फाइलो स्टेची डिस्ट ठीक है ये इसका वैज्ञानिक नाम है तो तीन पॉइंट इसके हो गए ठीक है, है तो दोस्तों पंद्रह थ्री मार्कर हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया ठीक है तो ऐसे हम कोशिश करेंगे कि रोज पंद्रह थ्री मार्कर को खत्म करें और डिस्कस करें जैसे कि आपका जो बर्डन है वो बर्डन ना हो ठीक है आप लोग मेंस देने जा रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदा हो जाए तो जो भी इंफॉर्मेशन हो सकती है वो सब हम इसी में इंक्लूड कर देंगे आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है इन्हीं वीडियो के भरोसे आप रहिए तीन पॉइंट सटीक लिखिए सटीक याद रखिए और जाके लिखिए बिल्कुल ठीक है तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप यहाँ पर नए हैं तो क्योंकि हम पेपर थ्री के अलावा और भी टॉपिक को शुरू करेंगे पेपर थ्री के जो भी टॉपिक है जैसे करंट अफेयर और साइंस एंड टेक को एक साथ शुरू किया गया ऐसे हम रिलेट करके हुई चलाएंगे मतलब दो दो सब्जेक्ट को एक साथ थ्री मार्क का बना के देंगे आपको चिंता मत कीजिए आप लोग बस हमारे साथ बने रहिए और हमारा सपोर्ट करते रहिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग